हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास रेडमी वाई वन फ़ोन आया है। उसमें प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एम आई लोगो आता है, उसके बाद तुरंत ही ऑफ हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या काम करना चाहिए, हमें MMC की तरफ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम समझाएँगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। तो एक बार हम इसको PC के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी रीड इन्फो चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पोर्ट बन चुका है और हमने इसको रीड इन्फो चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि MMC कुछ एरर आता है कि नहीं, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। स्टोरेज टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ओके आ रहा है, मतलब कि MMC रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। तो चलिए, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए एक बार हम पावर सेक्शन में चेक करते हैं कि पावर सेक्शन में कोई कंपोनेंट्स ओपन है, लीकेज है, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपकी बीप नहीं आनी चाहिए दोनों साइड। एक साइड बीप आएगी, एक साइड ग्राउंड आएगी, एक साइड रीडिंग आएगी। और मैंने देखा कि जो हमारा कैमरा सेक्शन होता है, कैमरा का कनेक्टर, वहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो भी शॉर्ट थे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें दिखती नहीं है, तो भी हो सकता है कि हमारा पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है और MMC में भी कोई प्रॉब्लम हमें दिखता नहीं था। तो चलिए एक बार हम पावर IC की तरफ काम करते हैं और फिर हम आपको दिखाएँगे। फ्रेंड्स, हमने बोर्ड को यहाँ पे क्लीन कर दिया है और दूसरी पावर IC हमारे पास पड़ी थी, तो अभी हम इसमें चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे। और एक बात, जो वीडियो थोड़ा हमारे से कट हो चुका था, ये जो ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम क्यों आ गई थी, ये पावर IC हमारा क्यों ख़राब हो गया, क्योंकि जो कैमरा का कनेक्टर था वहाँ पर जो कंपोनेंट्स थे वो शॉर्ट हो गया था, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ गया था। तो इनकेस आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आए तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहाँ से भी हो सकती है। तो हमने इसको कर दिया था और यहाँ पे अभी हम दूसरी पावर IC हमारे पास है, इसको हम चेंज करेंगे। तो आपको पोजीशन सही रखनी है और अभी हम यहाँ पे वीडियो को स्पीड नहीं रखेंगे, तो क्योंकि हमें कमेंट आ रही है कि हम पावर IC लगाने के टाइम हमारी पावर IC इधर उधर भाग जाती है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे स्पीड नहीं रखा है। और टेम्परेचर अभी हमने यहाँ पे 300 रखा है। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम इसको हीट देंगे और अच्छी तरीके से पहले हीट देंगे, उसके बाद हल्का सा IC को मूवमेंट करवाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये जो ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है वो आपकी MMC से भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले चेक कर लिया था रीड इन्फो में, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हमें शो नहीं हुई थी, इसकी वजह से हमने पावर पे काम किया। और इनकेस आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आए, अगर पावर से भी ना हो, तो आपको एक बार CPU की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, CPU को रिबॉल करना चाहिए। अगर ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिबॉलिंग की, अगर हैंग ऑन लोगो आ जाता है तो आपको रिबॉलिंग करना पड़ता है।
तो चलिए एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे आईसी को हमने कंप्लीट तरीके से लगा दिया है और जो पेस्ट हमारी थी वो अभी हम यहाँ पे क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम आपको चेक करके बताएंगे कि जो हमारी पहले प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई है कि नहीं। और देखिए कैमरा का जो बेल्ट है वहाँ पे भी हमारी शॉर्टिंग है, मतलब कि उसकी लाइन में भी शॉर्टिंग है। अभी हम यहाँ पे कैमरा को कनेक्ट करते थे तो हमारा फिर से फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट हो रहा था फिर से, इसके कारण हमारी आईसी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको कैमरा को डिसकनेक्ट ही रखेंगे। अगर हम कैमरा को लगा देंगे तो फिर से हमारी पावर आईसी ख़राब हो जाती है, पावर आईसी फिर से हमारी हीट होने लगती है। तो इसके कारण हम कैमरा को बाद में डिसकनेक्ट ही रखेंगे। अगर वो बात करें कि वो प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, तो वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक बार सीपीयू को रिबॉल करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से कैमरा का जो लाइन शॉर्ट था वो सीपीयू से उसकी लाइन आ रही है, वो लाइन भी शॉर्टिंग है, तो वो ठीक करने के लिए सीपीयू को रिबॉल करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फ़ोन तो ऑन हो चुका है अभी, मतलब कि ऑटो रिस्टार्ट की पहले प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ठीक तो हो चुकी है यहाँ पे मेरे को लग रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर वेट कर लेंगे और फ़ोन को कंप्लीट ऑन होने देते हैं और चार्जिंग भी लगा के देखेंगे, क्योंकि पावर सेक्शन चेंज करने के बाद काफ़ी लोगों की कॉमेंट आती है कि हम पावर एसी को चेंज करते हैं उसके बाद चार्जिंग नहीं हो रहा है या फिर रिंगर वर्क नहीं कर रहा है, ऐसी भी कॉमेंट आती थी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा फ़ोन तो कम्प्लीट ऑन हो चुका है और यहाँ पे हम आपको चार्जिंग भी चेक करवा देंगे कि चार्जिंग हमारा क्या हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आए तो आपको खुद इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, और हर बार कोई डेड कंडीशन आए तो एक बार आपको कैमरा को रिमूव करके भी आपको चेक करना है। तो इसके बारे में जो आपको प्रॉब्लम था वो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।